तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी लोगों का ब्रांड न्यू वीडियो में। आज किस वीडियो में मैं खेलूंगा माइनक्राफ्ट, बट आई कैन कॉपी एंड पेस्ट एनी आइटम। मतलब लिटरली कोई भी आइटम मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि दिखाता हूँ, अब मैं चल के कोई भी रैंडम आइटम लेता हूँ। तो जैसे जो सैपलिंग लिए, अब ग्राउंड में फेंक के स्नीक करके राइट क्लिक करूंगा, देखो चारों तरफ एक बाउंड्री बन चुकी है। अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो कॉपी होकर पूरा आइटम पेस्ट हो रहा है। तो चल के थोड़ी वुड ले लेता हूँ मैं, और अब इस वुड को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी सारे डुप्लीकेट कर लिए, अब इन सबको कलेक्ट करके इस 15 के स्टैक को फेंक कर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। देखो ये कॉपी होकर पेस्ट हो गए, और 60 लॉक हो गए मेरे पास। और अब चल के मैं स्टोन लेता हूँ। तो अब मैंने स्टोन ले लिया, अब मैं स्टोन को भी जल्दी कॉपी पेस्ट करता हूँ। फटाफट से मैं स्टोन को कॉपी करके फर्नेस और टूल्स बना लेता हूँ स्टोन के। तो अभी मेरे पास रॉ चिकन पड़ा है, तो फटाफट से उसे कुक कर लेता हूँ और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास वीडियो के लिए इन्फिनिट खाना हो जाए। तो खाने का इंतजाम हो चुका है, फटाफट चल के मैं केव ढूंढता हूँ। तो मेरी इस वीडियो का गोल है कि मैं एंड तक डायमंड और ड्रैगन एग को कॉपी पेस्ट कर लूँ और फुल एंचेंटेड नेदरराइट को बना पाऊँ। तो गाइस देखो मेरे को क्या सही चीज मिली है, इतनी बड़ी केव मिली है जिसमें नीचे लश्के और ऊपर इतने सारे ओवर बोर दिख रहे हैं, और नीचे मेरे को पानी दिख रहा है। तो सीधे मैं पानी में जंप लगाता हूँ, और ये नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे काफी सारे मॉब दिख रहे हैं। तो ऊपर चलता हूँ, मेरे को ऊपर थोड़ा आयरन दिखाता था, तो उस आयरन को मैं स्मेल्ट करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिर अपना पूरा आर्मर बना लेता हूँ। तो अब आयरन बन चुका है, फटाफट चल के मैं आयरन को कॉपी पेस्ट करता हूँ और अपना फुल आर्मर बनाता हूँ, शील्ड बनाता हूँ, टूल्स बनाता हूँ। तो मैंने ये फुल आयरन आर्मर बना लिया और टूल्स बना लिया, अब बस शील्ड बाकी है। तो मैंने शील्ड भी बना लिया, अब मैं नीचे आता हूँ, फटाफट से मॉब्स को मार देता हूँ और अपने जो ओर्स हैं उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर एक पानी से भरी हुई केव मिल रही है, इसमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये केव सीधे आगे ओशन में खत्म हो गई है, जो काफी ज्यादा कूल है। और मेरे को सामने एक आइलैंड भी दिख रहा है, तो फटाफट से आइलैंड में चलता हूँ। और भाई देखो कितने सारे मॉब्स हैं इस आइलैंड में। मुझे सामने एक एंडरमैन भी दिख रहा है, तो फटाफट से उस एंडरमैन के पास चलता हूँ, देखता हूँ वो मेरे को एंडरबल ड्रॉप करता है कि नहीं। और इसने ड्रॉप कर दिया, तो चल के मैं एंडरपोल को फटाफट से कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया एंडरपोल, फटाफट से मैं चलता हूँ। तो शीप को मार के मैंने वूल ले लिया, वूल को चल के डुप्लीकेट करता हूँ, जिससे मैं काफी सारे बेड बनाऊंगा और इससे इजी जाएगा मेरे को एंडरपोल को मारना। A few inches later. तो मेरे को यहाँ पर रुइन पोर्टल मिला है, जिसकी चेस्ट है वो काफ़ी वियर्डली प्लेस हुई है, वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। बस चलो मैं अपना गोल्ड ब्लॉक ले लेता हूँ, और फिर चेस्ट में देखता हूँ क्या क्या मिला है। तो मेरे को ऑब्सीडियन मिला है, जिसको मैं अभी कॉपी पेस्ट करके नहीं दे सकता हूँ, और गोल्डन कैरेट मिली है, जो अच्छा फूड सोर्स होगा कुकुर चिकन से। तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं फटाफट से नेदर पोर्टल बना के नेदर में चलता हूँ। तो अब मैं नेदर में आ चुका हूँ, फटाफट चल के मैं फोर्ट्रेस ढूंढता हूँ। ओह तो फोर्ट्रेस यहीं पर है, मतलब मेरे को थोड़ा भी चलना नहीं पड़ा, यहीं पर मिल गई। और अब मैं चलता हूँ, यहाँ मैं थोड़ी चेस्ट भी देखता हूँ, चेस्ट में अगर डायमंड वगैरह मिल गए तो मैं डायमंड आगे बना लूंगा। वेट मेरे को एक्चुअल में डायमंड्स मिल गए यहाँ पर। तो चल के मैं फटाफट से डायमंड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और फिर अपना पूरा आर्म रेडी कर लेता हूँ। तो मेरा आर्मर बन चुका है, फटाफट से मैं आर्मर को पहन लेता हूँ। तो मैंने अब अपना डायमंड आर्मर भी पहन लिया, अब चल के मैं डायमंड के टूल्स बना देता हूँ, और फिर ब्लेजर्स को मार के ब्लेजर अपग्रेड करता हूँ। तो मैंने इनफ ब्लेज रॉड ले लिया, फटाफट से मैं एक बैस्टियन ढूंढता हूँ जहाँ पर मेरे को नेदरराइट मिल सकता है।
तो मेरे को यहाँ पर एक बैस्टियन में मिल चुका, फटाफट से मैं बैस्टियन करने चलता हूँ, देखता हूँ मेरे को नेदरराइट मिला है कि नहीं मिला है। पहली चेस्ट में मेरे को एंशिएंट डिग्री मिल चुका है और एक गोल्ड का हेलमेट है जो नहीं चाहिए मेरे को, और दूसरी चेस्ट में मेरे को नेदरराइट स्क्रैप मिल गया और एक गोल्ड इंगट मिल चुका है। इनको दोनों को मैं डुप्लीकेट करके सीधे नेदरराइट इंगट बना सकता हूँ। बूट्स भी लेता हूँ और स्ट्रिंग भी लेता हूँ वो के लिए। अब मैं बूट्स को पहन लेता हूँ ताकि कोई भी पिल्ले मेरे ऊपर अटैक ना करे, और अब बाकी सारी चीज़ों को डुप्लीकेट करके नेदरराइट इंगट बनाता हूँ। तो मैंने नेदरराइट इंगट बना लिया है, बट अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है मेरे पास आयरन नहीं है। तो अब मैं नीचे बैस्टियन में चल के आयरन ढूंढता हूँ और फिर अपना मैं नेदरराइट आर्मर बनाता हूँ। और वाओ, मेरे को पहली चेस्ट में एक आयरन का ब्लॉक मिल गया, तो ये सही है। अब चल के मैं स्मिथिंग टेबल बना लेता हूँ और अपना आर्मर पूरा नेदरराइट का कर लेता हूँ। तो मेरे पूरे के पूरे आर्मर 2 नेदरराइट के हो चुके हैं। फटाफट से मैं एक पोर्टल बनाता हूँ और ओवरवर्ल्ड में जाता हूँ। तो अब मैं ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ। फटाफट से मैं बो बना लेता हूँ और आगे फेंडर बना लेता हूँ, जिससे मैं एंड में जा पाऊंगा। तो ये बो रेडी है और ये आगे फेंडर भी बन चुके हैं, इन्हें डुप्लीकेट कर लेता हूँ और अब चलता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। तो मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन मिल गया, फटाफट से मैं माइन के नीचे जाता हूँ। तो अब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुका हूँ, फटाफट से मैं लाइब्रेरी ढूंढता हूँ जिससे मैं अपना आर्मर एन्चेंट कर पाऊंगा। तो इस चेस्ट में मेरे को पियर्सिंग 4 की बुक मिली है और एक प्रोटेक्शन 3 की बुक मिली है और बाकी सारा कबाड़ा है। ऊपर भी एक चेस्ट है, इसमें तो एक भी बुक ही नहीं है। चल के अपना आर्मर एन्चेंट करता हूँ। ये एनविल बना लिया है और ये एन्चेंटिंग टेबल, इसको मैं यही पुट कर दूंगा। और अब चल के अपना लैपिस भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं फटाफट से। और अब मैं फटाफट से यहाँ से थोड़ी बुक्स लेके उनको एन्चेंट करता हूँ। इसमें प्रोटेक्शन 1 कर देता हूँ, अगले बुक में भी इसमें प्रोटेक्शन 1 कर देता हूँ इसमें भी, और इस वाली बुक में विकेट एक्सपी कम हो रही है मेरे पास। तो चलो मैं इन दोनों प्रोटेक्शन 1 वाली बुक को कंबाइन करके प्रोटेक्शन 2 बना लेता हूँ, और अब प्रोटेक्शन 2 वाली बुक को कॉपी करके पेस्ट करके प्रोटेक्शन 3 बना लेता हूँ। और अब प्रोटेक्शन 3 को कॉपी करता हूँ और प्रोटेक्शन 4। तो मेरे पास एक्सपी नहीं बची है, तो ऊपर चल के फटाफट से मैं थोड़ी एक्सपी करके लाता हूँ। तो मॉब्स को मारते मारते मेरे को यहाँ पर एक प्लेजर आउटपोस्ट मिला है, और अगर मैं करेक्ट हूँ तो प्लेजर आउटपोस्ट में हमें एक्सपी बॉटल मिल सकती है। तो फटाफट से मैं आउटपोस्ट में चलता हूँ और पहले खाना खा लेता हूँ, क्योंकि अगर साइड से कोई आ रहा आ गया मैं मर गया तो। एंड मेरे को इसमें एक्चुअली एक्सपी बॉटल मिल भी गई, जिसे मैं अभी डुप्लीकेट करूँगा और मेरे पास इन्फिनाइट एक्सपी हो चुकी है। तो मैं फटाफट से अपना पूरा पूरा एक्सपी कट करके अपना आर्मर एन्चेंट कर लूँगा। A few minutes later. मेरा आर्मर एन्चेंट हो चुका है, फटाफट चल के अपने टूल्स और वो को भी एन्चेंट कर लेता हूँ। A few minutes later. तो मैंने सारा आइटम एन्चेंट कर दिया, पूरे आर्मर को मैंने प्रोटेक्शन 4 दिया है, शार्पनेस 5, एफिशिएंसी 5 दिया है टूल्स पे और पावर 5 वो पे। फटाफट से मैं चलता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस आ गया हूँ, फटाफट चल के मैं एंड पोर्टल फ्रेम ढूंढता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, तो मैं इसमें फटाफट से आया फेंडर लगाता हूँ और एंड में चलता हूँ। मैं ये एंड में आ चुका हूँ, फटाफट से ऊपर चल के सारे क्रिस्टल तोड़ता हूँ, एंडर ड्रैगन को मारता हूँ और चल के अपने सारे सारे बेड भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ।
सारे क्रिस्टल फूट चुके हैं, फटाफट चल के मैं ड्रैगन को मारता हूँ। भाई इसकी सीधे इतनी ज़्यादा एचपी वो चली गई बेड से, ऑलमोस्ट हाफ एचपी पहुंच चुका है इसको, फटाफट चल के मारता हूँ मैं। तो उसको एक शॉट मारना है जो कि मैं एक्स से मारूंगा और ये खत्म। तो बस अपना चैलेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब बस मुझे उसका ड्रैगन एग जो है उसको डुप्लीकेट करना है, तो फटाफट चल के उसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं। तो मैंने एक लेवर बना लिया, अब इसके नीचे एक ब्लॉक माइन करता हूँ, नीचे लेवर रख देता हूँ, और जैसे ही ब्लॉक तोड़ूंगा मेरे को ड्रैगन एग मिल जाएगा, और ड्रैगन एग को थ्रो करके राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और भी क्रेजी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।